थ्रेडिंग का जो लास्ट टॉपिक है आपका इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन ये लास्ट टॉपिक है आपका इसका, मल्टी थ्रेडिंग का, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जैसे आपने दो थ्रेड क्रिएट किए T1 और T2, ठीक है, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकती है, समझ रहे हैं। जैसे एक थ्रेड ने कुछ रिजल्ट जनरेट करा R1, वो रिजल्ट जनरेट करा R1, और वो रिजल्ट किसको पास कर दिया, थ्रेड टू को, T2 को, है ना। तो उन दो थ्रेड्स के बीच में कैसे कम्युनिकेट करेगी वो वैल्यू एक्सचेंज कर सके, तो हमारे पास कुछ मैकेनिज्म बनाए गए कि आपस में दो या दो से ज्यादा थ्रेड एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो हमारी प्रोग्रामिंग में कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि दो थ्रेड को जरूरत हुई आपस में कम्युनिकेट करने की, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थ्रेडिंग का, दो थ्रेड्स का आपस में कम्युनिकेशन करने का जो भी मैकेनिज्म है उसको बोल देंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इसको आपको रेयरली यूज करोगे आप, इसको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मैकेनिज्म है। पहले तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग कम्युनिकेशन, समझ रहे। तो मल्टी थ्रेडिंग कम्युनिकेशन में दो थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। उसमें एक थ्रेड ग्रीन सिग्नल सेंड करेगी तो दूसरी इसको रिसीव करेगी सिग्नल को। अभी देखते हैं कैसे करती है। तो दो थ्रेड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हमारे पास तीन मैकेनिज्म बनाए गए, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म है इवेंट, एक इवेंट क्लास है उसकी हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक क्लास है आपकी कंडीशन, कंडीशन है ना, और थर्ड आपके है क्यू, क्यू है ना। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है, इसकी ज्यादा प्रोग्रामिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवेंट, इवेंट क्लास के थ्रू कैसे दो थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी, किसके थ्रू, इवेंट के। इवेंट क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर। कहां पर मिलेगी ये सारी सारी चीजें, कहां पर मिल रही है, थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर, थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है क्लास। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे एक थ्रेड है T1, T1 ने अगर कौन सा मेथड कॉल कराया, सेट, सेट मेथड कॉल कराया, तो इसका मतलब है कि एक थ्रेड T1 ने सिग्नल भेजा, जैसे सेट कर देंगे तो एक सिग्नल भेजेगा, जो भी दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसको सिग्नल जाएगा, ठीक है। किसने सेट किया है, सेट का काम क्या है, सेट क्या है कि इंटरनल फ्लैग है ये, इट रिप्रेजेंट ग्रीन सिग्नल, है ना। जितनी भी वेटिंग में थ्रेड है सबको एक ग्रीन सिग्नल दे देगी कि आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो सेट मेथड के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही एक मेथड और बनाया गया, क्लियर मेथड। कौन सा मेथड, क्लियर, क्लियर मेथड क्या करेगा, ये रेड सिग्नल है, इंटरनली क्या करेगा, इंटरनली फ्लैग वैल्यू विल बी बिकम फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यानी कि इट्स रिप्रेजेंट रेड सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब है कि जितनी आपकी थ्रेड्स हैं वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे। आप ये दो मेथड बनाएंगे, क्लियर और सेट, ठीक है। और भी मेथड है, वेट मेथड, किसी स्टेट को वेटिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए किसी थ्रेड को, और चेक करने के लिए कि ये सेट है या नहीं है, है ना, सिग्नल मिला या नहीं मिला। तो ये चेक करने के लिए चार मेथड ये बनाए गए, इस सेट लिए, किस लिए बनाया गया, कोई भी मेथड और सॉरी कोई भी सिग्नल सेट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए, थ्रेड को वेटिंग स्टेट में चलाने के लिए, है ना। सारी के सारी जो आपके थ्रेड्स हैं उनको रेड सिग्नल देने के लिए, और सेट्स हैं ग्रीन सिग्नल देने के लिए, ये चार मेथड्स बनाए गए, ठीक है। तो देखते हैं इनको, जैसे एक प्रोग्राम लेते हैं, सपोज फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, सब कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट टाइम, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, कुछ भी ले लो, प्रोड्यूस,
रहे, प्रोड्यूसर। और इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, मैंने एक टाइम लगाया था, टाइम टाइम डॉट स्लीप, स्लीप कर दिया 5 सेकंड के लिए, ठीक है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्टिंग में 5 सेकंड के लिए स्लीप होगा, प्रिंट कराया मैंने, प्रोड्यूसर वेर प्रोड्यूसिंग आइटम्स सपोज, ठीक है। प्रिंट एक मैसेज जोड़ दिया, प्रोड्यूसर थ्रेड गिविंग कुछ भी ले लो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बाय सेटिंग इवेंट, बाय सेटिंग इवेंट, ठीक है। यार ये फोन ज्यादा परेशान कर रहा है। अब जिसने भी ये मेथड कॉल कराया, जिस भी थ्रेड ने ये मेथड कॉल कराया, तो यहां से हमने एक सिग्नल सेंड किया, इवेंट इवेंट डॉट सेट, हमने सेट कर दिया। सेंड का मतलब एक सिग्नल सेंड किया, ये सिग्नल किसके पास जाएगा, जो दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये एक फंक्शन लिया मैंने, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, ये मैसेज प्रिंट कराना और एक सिग्नल सेंड करना। तो ये सिग्नल किसको जाएगा, जो भी थ्रेड बैक, जो भी आपकी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसके पास जाएगा। मैंने एक फंक्शन और डिफाइन किया, कंज्यूमर, कौन सा फंक्शन, कंज्यूमर, ठीक है। प्रिंट कंज्यूमर थ्रेड इज वेटिंग फॉर अपडेट, अपडेशन, ठीक है। और इवेंट डॉट, ये वेट कर रही है, मैंने आप कौन सा फंक्शन कॉल कराया, वेट। ये वेट कब तक करेगी, जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलता है तब तक वेट करेगी, और जैसे ही ई वेटिंग खत्म हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा आपका, प्रिंट दे, प्रिंट करा देंगे कुछ भी, कंज्यूमर 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 थ्रेड गॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। एंड आउटपुट देखना इसका थोड़ा ध्यान से, कंज्यूमिंग आइटम्स कुछ भी लिख दो, है ना। ये तो बस मुझे थोड़ा समझाना है। ये दो मेथड लिए, एक प्रोड्यूस मेथड को कॉल कराएगी, एक थ्रेड किसको कॉल कराएगी, कंज्यूमर को। तो जैसे ही इब जो जिसने ये मेथड कॉल कराया, कौन सा, प्रोड्यूसर, और एक थ्रेड जिसने कंज्यूमर मेथड कॉल कराया, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। कैसे, एक थ्रेड जिसने प्रोड्यूसर फंक्शन कॉल कराया, वो को क्या कर रहा है, एक सिग्नल सेंड कर रहा है, सेट कर रहा है, सिग्नल मतलब ग्रीन सिग्नल दे रहा है। जैसे ही कंज्यूमर, जिस थ्रेड ने कंज्यूमर कॉल कराया, उसके पास वो सिग्नल जाएगा, है ना, तब तक ये वेटिंग स्टेट में रहेगा। कब तक, जब तक ये सिग्नल रिसीव नहीं करता, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा तो ये प्रिंट करा देगा, कंज्यूमर गॉट नोटिफिकेशन आइटम, ठीक है जी। ये हमने दो फंक्शन लिए। अब क्या करते हैं, इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बताया था इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एक थ्रेड ली टी वन, टी वन इज इक्वल टू थ्रेड टारगेट, मैंने टारगेट दे दिया, टारगेट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, ये टारगेट दे दिया। दूसरी थ्रेड ली टी टू इज इक्वल टू थ्रेड टारगेट इज इक्वल टू कंज्यूमर, ठीक है, ये दे दिया। अब मैंने थ्रेड टी वन और टी टू, टी वन ने कौन सा मेथड कॉल करा, स्टार्ट, स्टार्ट मेथड कॉल करा है। टी टू ने कौन सा मेथड कॉल करा है, स्टार्ट, स्टार्ट मेथड कॉल करा है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं देखो एग्जीक्यूट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। आपकी जो टी वन थ्रेड है उसने कौन सा मेथड कॉल कराया, टारगेट में देखो कौन सा मेथड, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर मेथड कॉल कराएगा, ठीक
ठीक है, और टी टू थ्रेड कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, ये कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ये मेथड कॉल कर रहा है। आप देख रहे हो थोड़ा ध्यान से, टी वन ने कौन सा मेथड कॉल करा, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर वांट्स टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग सेट मेथड टू अनदर थ्रेड। सेट मेथड की हेल्प से जो आपकी टी वन थ्रेड है वो क्या करना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है किससे, दूसरी थ्रेड से। दूसरी थ्रेड कौन सी है, टी टू। टी टू ने कौन सा मेथड कॉल कराया, कंज्यूमर, ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो कंज्यूमर वाली थ्रेड है, कंज्यूमर वाली थ्रेड कौन सी है, टी टू। टी टू वेट कर रही है कोई मुझे सिग्नल सेंड करे, है ना, तो ये वेटिंग में रहेगी तब तक जब तक कोई से सिग्नल नहीं मिलता। जैसे ही टी वन इसके सिग्नल सेंड करेगी तब उसके बाद ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो कंज्यूमर थ्रेड इज वेटिंग फॉर अपडेशन, ये कंज्यूमर थ्रेड वेटिंग कर रही है अपडेशन के लिए। क्या हुआ, प्रोड्यूस आइटम, यहां से प्रोड्यूस हुआ आइटम, प्रोड्यूस गिवन नोटिफिकेशन टू सेट इवेंट, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या प्रिंट हुआ, कंज्यूमर थ्रेड गोट नोटिफिकेशन एंड कंज्यूम आइटम, ये बाद में सबसे बाद में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, तो आपकी ये जो थ्रेड थी जब तक इसको नोटिफिकेशन नहीं मिला है ना, तब तक इसने वेट किया, और जैसे ही ये यहां से सिग्नल मिल गया किसको, इस वाली थ्रेड को, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, कंज्यूमर थ्रेड गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ आइटम, ठीक है, समझ में आया या नहीं। ओके गुड, ठीक है, तो देखो एक मिनट में एक रिपीट कर देते हैं, एक मिनट देखो। टी वन थ्रेड है, टी वन थ्रेड का टारगेट क्या है, प्रोड्यूसर फंक्शन को कॉल कराना, टी वन का टारगेट है ये आपकी टी वन थ्रेड है ना, ये कौन सा मेथड है, प्रोड्यूसर, मैं इसको पी आर ओ लिख देता हूँ खाली। इसका टास्क क्या है, प्रोड्यूसर फंक्शन को कॉल कराना। टी टू फंक्शन का काम क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर फंक्शन को कॉल कराना, ये दोनों के टास्क है। बट टी वन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टी टू, टी वन किससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, टी टू को, तो टी वन टी टू से कैसे कम्युनिकेट करेगा, टी वन को एक एक सिग्नल सेंड करना पड़ेगा किसको, टी वन को, तो टी वन ने क्या करा, सेट कर दिया सिग्नल, इवेंट डॉट सेट से क्या होगा, सिग्नल सेंड करेगा, ये सिग्नल किसके पास जाएगा, टी टू के, और टी टू ने क्या करा, टी टू भी वेट कर रहा है कि मुझे ये टी वन सिग्नल दे तब मैं आगे इसको इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो इवेंट जो आप ये वेट कर रहा है कौन, टी टू, तब तक वेट करेगा जब तक इस यहां से सिग्नल नहीं रिसीव होता, जब तक ये सेट मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है, तब तक टी टू वेटिंग में रहेगा, यानी कि वेटिंग के बाद का जो पार्ट है, मतलब इस वेट के बाद का ये पार्ट है, कब एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन कब प्रिंट होगी, ये लाइन तब प्रिंट होगी जब इसको सिग्नल मिल जाएगा, अदरवाइज ये वेटिंग में ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसको एक बार और देख लेते हैं, जैसे सपोज मैंने क्या किया, यहां पर इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, अब बोला आउटपुट क्या आएगा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंज्यूमर थ्रेड इज वेटिंग फॉर अपडेशन, कब प्रोड्यूस थ्रेड आइटम्स, है ना, क्या ये लाइन प्रिंट हुई, ये लाइन प्रिंट हुई, क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि आपकी जो कंज्यूमर वाली थ्रेड है, मतलब टी टू वेट कर रही है, वेट किसका कर रही है, मुझे कोई सिग्नल सेंड करे, और आपने क्या कर दिया, सिग्नल क्या कर दिया तुमने, हाइड कर दिया, ये सिग्नल ही नहीं सेंड कर रही, तो तब तक ये वेट करती रहेगी, समझ रहे, ये वेटिंग में चली गई, ये कब सिग्नल सेंड करेगा, आपने तो हाइड कर दिया है, कभी भी सिग्नल नहीं सेंड करेगा, और ये वेट कर रही है, वेटिंग स्टेट में चली गई टी टू, इसको ये लाइन प्रिंट करनी थी, ये तब प्रिंट करेगी जब इसको सिग्नल मिलेगा यहां से, है ना, यानी कि एक थ्रेड दूसरी थ्रेड को सिग्नल सेंड करेगी तब ये लाइन प्रिंट होगी, ये लाइन प्रिंट ही नहीं हो रही, आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, ये वेटिंग में चली गई, लेकिन जैसे ही आप ये लाइन हटा देते हो, ठीक है, कंज्यूमर थ्रेड इज वेटिंग फॉर अपडेशन,
ये वेट कर रही है, ठीक है। प्रोड्यूसर थ्रेड प्रोड्यूस आइटम, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ये प्रिंट हो गया, इसने क्या करा, इस मेथड से सेट एक इवेंट सेट करी। इवेंट जैसे ही सेट करी, ये आपका वेटिंग स्टेट में था, है ना। वेटिंग स्टेट में था, जैसे सिग्नल मिला इसको, यहां से इसको जैसे ही सिग्नल मिला, ये वेटिंग स्टेट छोड़ के नेक्स्ट लाइन पर आ गई, इसको प्रिंट करा दिया, ये लास्ट में प्रिंट होगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? सिंपल हुआ है आपका थर्ड कम्युनिकेशन का। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम, वैसे तो उसमें एक प्रोग्राम ही ठीक है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन एक और करा देते हैं। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट भाई कल की क्लास मिस मत करना कोई भी, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस, एक फंक्शन लिया मैंने ट्रैफिक पुलिस, है ना। मैंने यहाँ एक लूप लगाया, व्हाइल, व्हाइल की वैल्यू पास कर दी ट्रू, है ना। जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये प्रिंट करता रहेगा, क्या प्रिंट, प्रिंट करा देते हैं। या टाइम डॉट स्लीप कर दिया, स्लीप 10 सेकंड के लिए, है ना, और प्रिंट करा दिया, कुछ भी मैसेज दे दिया, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस गिविंग ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल देगी, कैसे देगी ग्रीन सिग्नल, है ना। इवेंट के अंदर एक मेथड है सेट, जैसे सेट मेथड को कॉल करेंगे तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, और हमने ग्रीन सिग्नल देते ही हमने स्लिप कर दिया आगे का प्रोसीजर, ये हमने 20 सेकंड के लिए, और प्रिंट कराया, प्रिंट ट्रैफिक पुलिस, है ना। अब गिविंग रेड सिग्नल, देखो सबसे पहले क्या किया, जब ये ट्रैफिक पुलिस फंक्शन कॉल कराएगी, वन थ्रेड जैसे ही ट्रैफिक पुलिस से सिग्नल कॉल कराएगी, तो होगा क्या, ये कंडीशन होगी ट्रू। स्टार्टिंग में कंडीशन क्या होगी, ट्रू, आपका प्रोग्राम 10 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगा। उसके बाद जैसे आप, एक मैसेज आएगा ट्रैफिक पुलिस गिवन ग्रीन सिग्नल, जैसे ग्रीन सिग्नल देगी तो आपकी दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, है ना। कितने सेकंड के लिए, ये सिग्नल भेज दिया आपने, यहां से सिग्नल भेज दिया दूसरी थ्रेड को, ग्रीन सिग्नल दे दिया, और आपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कितने देर के लिए रोक दिया, 20 सेकंड के लिए, यानी कि 20 सेकंड के लिए आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो कुछ करना है कर लो। उसके बाद ये दोबारा इस पर आ जाएगा रेड सिग्नल। रेड सिग्नल कैसे मिलेगा, कम्युनिकेशन कैसे बंद करते हैं, इवेंट के अंदर हमारा एक मेथड है क्लियर, क्लियर मेथड है, जो भी कम्युनिकेशन था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन और बनाया मैंने, डिफाइन ड्राइवर, ड्राइवर, है ना। इसमें मैंने कह लिया व्हाइल ट्रू, व्हाइल ट्रू, जब तक व्हाइल ट्रू रहेगा प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, है ना, ड्राइवर्स, ड्राइवर्स वेटिंग, वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, एक तो मैसेज ही आ जाएगा। वेट कैसे करेंगे, इवेंट के अंदर एक मेथड है वेट मेथड, वेट मेथड, जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता ग्रीन, तब तक ही वेट करेंगे। जैसे ही सिग्नल मिला, तुरंत जितने भी ड्राइवर्स थे, है ना, जितने भी ट्रैफिक, है ना, सिग्नल मिलते ही आपके व्हीकल्स क्या हो गए, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल क्या हो गया आपका, ग्रीन हो गया, ग्रीन। जैसे ही ग्रीन हुआ तभी तुरंत क्या हो जाएगा, आपके व्हीकल्स क्या हो जाएंगे, जितने भी व्हीकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर दें, व्हीकल्स कैन मूव। तो यहाँ इस तरह के एप्लीकेशंस में इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन का रोल है। अब हमने क्या किया, व्हाइल, व्हाइल इवेंट एक फंक्शन कॉल कराया, डॉट इज सेट, जब तक सेट है तब तक, जब तक सेट है हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, नंबर इज इक्वल टू नम प्लस वन,
हम क्या करेंगे, कितने व्हीकल निकल गए 20 सेकंड के अंदर, कितने व्हीकल निकल गए ये देखेंगे। हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, है ना, प्रिंट करा दिया, एक मैसेज बना देते हैं, व्हीकल नंबर, नंबर कौन सा जो नम के अंदर है ना, वो लिख देता हूं, क्रॉस द सिग्नल, क्रॉसिंग द सिग्नल, ठीक है, और स्लिप कर दिया टाइम डॉट स्लिप आउटपुट को समझने के लिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, है ना, रेड। तो ड्राइवर क्या करेंगे, ड्राइवर, ड्राइवर्स आर इन वेटिंग, वेटिंग में चले जाएंगे। तो ये आपकी दो है फंक्शन, एक तो फंक्शन ही ये है ट्रैफिक पुलिस और एक है ड्राइवर, दो फंक्शन है। एक थ्रेड क्या करेगी, एक थ्रेड इस ट्रैफिक पुलिस फंक्शन को कॉल कराएगी, दूसरी थ्रेड इस ड्राइवर को कॉल कराएगी, है ना। तो क्या होगा, क्या स्टार्टिंग में कौन सा फंक्शन वेटिंग स्टेट में जाएगा, बोलो सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ड्राइवर या ट्रैफिक पुलिस। अगर मैं दो थ्रेड बना के इसको एग्जीक्यूट करूं, मुझे बताओ कौन सा होगा, पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा। इवेंट इज इक्वल टू, इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया विच इज प्रेजेंट प्रेजेंट इनसाइड द, हाँ ड्राइवर, ड्राइवर का क्यों होगा, हाँ इसके अंदर वेट मेथड है, ठीक है। थ्रेड, एक थ्रेड बनाई उसका टारगेट दे दिया मैंने, टारगेट इज इक्वल टू, है ना, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस, एक थ्रेड ये ली, एक थ्रेड हो ली टी टू इज इक्वल टू थ्रेड, ठीक है, ये इसका टारगेट जो ले लिया, टारगेट इज इक्वल टू ड्राइवर, ठीक है, दो मैंने ले लिए। अब दोनों थ्रेड को क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, टी वन इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, टी टू इज इक्वल टू स्टार्ट, ये दो दो मैंने स्टार्ट करी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जो आपकी T1 थ्रेड है उसका काम क्या है, ट्रैफिक पुलिस जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और T2 थ्रेड का काम क्या है, ड्राइवर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने क्या कर रखा, इसे जब भी ये फंक्शन कॉल होगा यहां से एक सिग्नल भेजा जाएगा, किसके पास सिग्नल, किसके पास भेजा जाएगा, जो दूसरी थ्रेड है जिसने उसका काम क्या है, ड्राइवर फंक्शन को कॉल कराना। तो ये क्या करेगा, तब तक वेट करेगा, ये तब तक वेट करेगा जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता। जैसे इसको सिग्नल मिला, सिग्नल मिलते ही यहाँ लिखा आ जाएगा ट्रैफिक सिग्नल इज ग्रीन, व्हीकल कैन मूव, और जब तक ये इज सेट रहेगा, ठीक है, ये कब तक सेट रहेगा, आपने टाइम दे रखा 20 सेकंड के लिए, यानी 20 सेकंड के लिए ये जो मेथड था ट्रैफिक पुलिस, ये सिग्नल ये अभी बंद हो गया, कि जैसे 20 सेकंड के बाद ये आपका इसका जो 20 सेकंड कंप्लीट होंगी तो ये तुरंत क्या करेगा, ट्रैफिक पुलिस गिवन रेड सिग्नल, रेड सिग्नल देगी और जो कम्युनिकेशन था उसको बंद कर देगी, क्लियर कर देगी, क्लियर करते ही इसके पास कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, तो इस सेट की जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही इसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नेम स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड, कहां पर यूज किया, T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट, ठीक तो है, नॉट डिफाइन, इंपोर्ट करा लिया मैंने, दोनों पैकेज करा लिए ना, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट, ठीक है, टाइम ट्रैफिक पुलिस गुड, ये भी ठीक है। ये क्या कह रहा है, T1 डॉट नेम स्टार्ट इज नॉट डिफाइन, ये क्या दे रहा है, अच्छा सॉरी, T1 डॉट इक्वल टू, नहीं T1 डॉट, सॉरी ये क्या लिखना है, T1 डॉट,
गलती हमारी है। अब इसका एग्जीक्यूट करते हैं। देखो सबसे ड्राइवर वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल, ये लाइन प्रिंट होगी। 10 सेकंड बाद क्या होगा, ग्रीन इसको रेड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये आ गया ट्रैफिक पुलिस गिवन ग्रीन सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस व्हीकल कैन मूव। उसके बाद इसने क्या एरर दी, लोकल वेरिएबल नम रिकॉर्ड बिफोर असाइनमेंट। ओके, लोकल वेरिएबल जो नम है, अच्छा आप क्या करो, जो लोकल वेरिएबल है, ये जो लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ले लो, नम इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ 0। अब इसको मूव करते हैं, अब देखना क्या आउटपुट आएगा। ड्राइविंग वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल, व्हीकल नंबर 1 अक्रॉस द सिग्नल, 2 निकल गया, 3 इतने व्हीकल निकल चुके है ना, ये ग्रीन सिग्नल है अभी। इतने व्हीकल जा रहे हैं, ये इसने क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल इज रेड। जैसे ही रेड हुआ ड्राइवर क्या हो गए, वेटिंग स्टेट में चले गए और ट्रैफिक सिग्नल गिवन द रेड सिग्नल, ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन समझो थोड़ा ध्यान से, हुआ क्या, इसने सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा, ड्राइवर, क्योंकि इसके अंदर वेट मेथड है, ठीक है। जैसे वेट मेथड होगा आपका ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ यहां पर आया, इस फंक्शन के कॉल होते ही ये किस में चला गया, वेटिंग स्टेट में चला गया। इस फंक्शन के कॉल होते ही ये वेटिंग स्टेट में, ये वेटिंग में कब तक रहेगा, जब तक ऊपर वाले फंक्शंस है हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, है ना। तो ये वेटिंग स्टेट में चला गया, जैसे ही वेटिंग स्टेट में गया ध्यान रखना कि ये ड्राइवर फंक्शन जिसने कॉल कराया वो थ्रेड वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। यहां पर गए, यहां पर आए, क्या प्रिंट हो गया, ट्रैफिक पुलिस गिवन ग्रीन सिग्नल, ठीक है। इसने क्या किया, सिग्नल सेंड कर दिया, सिग्नल सेंड करके ये कहां चला गया, स्लिप, 20 सेकंड के लिए स्लिप हो गया ये फंक्शन। तो जैसे ही ये 20 सेकंड के लिए स्लिप हुआ, ये वापस वहां पर आया, आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। जैसे ही ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, आपके जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होंगे ये आपका मैसेज आ जाएगा और आपकी जो भी कम्युनिकेशन था ये ब्रेक हो जाएगा दोनों के बीच में। जब ब्रेक हो जाएगा तो आपका ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। बोलो समझ में आया नहीं ये प्रोग्राम। तो ये प्रोसीजर है कि कैसे दो थ्रेड आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है जी। ओके, एक और देखते हैं। जूम तो बहुत कर लिया यार, 150 हो रहा है। एक है क्यू के थ्रू, है क्यू, ओके चलो देख लेंगे आगे, ठीक है। देखो क्यू क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है आपका, है ना, लेकिन हम क्यू का इस्तेमाल करेंगे इसमें दो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो दो थ्रेड्स, अब तक तो यहां पर सिग्नल भेज रहे थे, सिग्नल सेंड किया था, जैसे सेट किया वो वेट करेगा, है ना, जैसे सेट हो गया है ना वो अपना आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो दो थ्रेड आपका एग्जीक्यूशन, दो थ्रेड कैसे कम्युनिकेट करेंगी आपस में, एक के सिग्नल तक वेट करेगी, जैसे उसको सिग्नल मिलेगा तो आगे उसका पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ये तो था किसमें, जो हमने पढ़ा भी मैकेनिज्म इवेंट के थ्रू। अब क्या है, हमें डेटा शेयर करना है, दो थ्रेड्स हैं उनके बीच में डेटा शेयर करना है। जैसे एक वैल्यू एक्स है, एक्स की वैल्यू एक जनरेट करेगा और उस वैल्यू को किसको देना है, दूसरी थ्रेड को देना है। तो आपने क्या किया, बीच में एक मीडियम यूज किया क्यू का, क्यू कॉन्सेप्ट यूज किया आपने, क्या किया, जो थ्रेड जो टेन जनरेट करेगी उसको क्यू में रख देगी। जैसे ही क्यू में रखा तो दूसरी थ्रेड अगर क्यू में चेक करेगी कि क्यू में आइटम रखा है या नहीं रखा, ये तो रखा होगा या नहीं रखा होगा, जैसे ही T2 थ्रेड आई उसने देखा कि आइटम है तो उसको रिसीव कर लेगी। तो ये कैसे करें, इस मैकेनिज्म के हम लिए क्या यूज करेंगे, क्यू मैकेनिज्म करेंगे। तो क्यू मैकेनिज्म के थ्रू दो थ्रेड्स आपस में डेटा शेयर कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें जब कोई डेटा रखा जाएगा, सुनो ध्यान से, जब कोई डेटा रखा जाएगा इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि आपका, जैसे एक बीच में आपने क्या करा, आप लोग हो, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक
है ना, दो स्टूडेंट के बीच में मैंने क्या रख दिया, क्यू। मैं कहा भाई जो भी चीज आपको आपस में शेयर करनी है तो आप क्यू में रखोगे बीच में, ठीक है। तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, जब कोई एक आइटम रख रहा होगा, समझ रहे, कोई आइटम एक थ्रेड किसी आइटम को क्यू में रख रहा है तो क्यू पे वो लॉक लगा देगा। कब तक लॉक लगा कर रखेगा, जब तक वो कंप्लीटली रखा ना जाए, है ना। अदरवाइज क्या होगा, उसने सपोज 12 रखना है तो उधर से दूसरा भी आ गया, उसने देखा कि क्यू में तो कुछ है ही नहीं, वो वापस चला गया, उसने एरर जनरेट कर दी। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला तुरंत उसने रख दिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे, बीच में जब भी कोई आइटम रखेगा तो क्यू में लॉक लगा देंगे। क्यू में लॉक लगने से क्या हो जाएगा कि वो T1 आसानी से क्यू के अंदर आइटम रख सकता है, और दूसरी जो थ्रेड है वो वेटिंग में रहेगी। उसने देखा कि इस पर लॉक लग रहा है, तो इसका मतलब यानी कि उसमें T2 थ्रेड क्या करेगी, वेटिंग में चली जाएगी और वेट करेगी जब तक उस पर से लॉक नहीं हटता, और ये भी समझेगी कि आपका जो क्यू है, क्यू में कोई डेटा रख रहा है इसलिए लॉक लगा हुआ है, ठीक है। सेम दूसरी साइड, है ना, जब T2 थ्रेड क्या करेगी, पुट मेथड के थ्रू, है ना, और सॉरी गेट मेथड के थ्रू क्यू में से आइटम उठाएगी, जब वो आइटम उठाएगी, है ना, तो वो लॉक लगा के उठाएगी आइटम, समझ रहे, क्यू में लॉक लगा देंगे। जब उसमें आइटम रखा होगा तो दूसरी जो थ्रेड है आपकी वो उस क्यू के अंदर आइटम नहीं रख सकती। सपोज ये थ्रेड आपकी T1 T2, इनको क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करना है, T1 और T2 को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, हमने क्या अगर कान के बीच में एक क्यू बना दिया, ये क्यू जनरेट किया, समझ रहे, ये क्यू है। जब T1 इसके अंदर आइटम रखेगी बाय यूजिंग पुट मेथड, ठीक है, पुट मेथड की हेल्प से इसमें एक आइटम रखेगी T1, जैसे 10 रख दिया, तो 10 जब रखेगी तो इस क्यूब में लॉक लग जाएगा। इस क्यूब में क्या लगा देंगे, हम एक लॉक लगा देंगे, ठीक है। जिस टाइम थ्रेड T1 इसके अंदर वैल्यू रख रही है तो T2 थ्रेड, है ना, इसमें से डेटा नहीं उठा सकती जब तक T1 इसको रिलीज नहीं करती। T1 थ्रेड किसको यूज कर रही है, क्यू को, है ना। जैसे इसने रिलीज मेथड कॉल कराया तो ये लॉक यहां से हट जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हटते ही थ्रेड T2 इस वेरिएबल को, है ना, गेट मेथड के थ्रू गेट करेगी, इस वैल्यू को क्या करेगी, गेट करेगी, कौन से मेथड के थ्रू, गेट मेथड के थ्रू। और जब ये वैल्यू उठाएगा तो T2 थ्रेड अब क्या करेगी, इसको लॉक लगा देगी। जब तक ये वैल्यू कंप्लीटली गेट नहीं कर लेती तब तक T1 थ्रेड दूसरा आइटम नहीं रख सकती, यानी कि क्यू के अंदर, ये जो आपका क्यू है, क्यू के अंदर आप एक बार में एक ही थ्रेड या तो डेटा उठा सकती है या डेटा पुट कर सकती है। अगर वो डेटा रख रही है तो लॉक लगा के रखेगी, है ना, जिससे कोई उठा ना पाए, जब मैं रिलीज कर देगी तब उठा ले, कोई दिक्कत। पहले बोलो ये मैकेनिज्म समझ में आया नहीं है, मैं क्या समझाना चाह रहा रिपीट सर, अरे हूं, बोलो, एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, दोबारा सुनो। सपोज आप दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, दो स्टूडेंट्स हैं T1 और T2। T1 क्या कर रहा है, एक वैल्यू 10 या 10 रुपीज आपको देना चाह रहा है। सपोज T1 T2 को 10 रुपीज देना चाह रहा है, तो मैंने क्या किया, तुम दोगे कैसे, तुमने ना एक यूज किया है कॉन्सेप्ट क्यू का। क्यू एक मैकेनिज्म है, यहां पर वैल्यू रखोगे, जो भी वैल्यू रखेगा, है ना, जो भी वैल्यू रखेगा तो उसी टाइम जब तक ये कंप्लीटली नहीं रख देता, तो आपने क्या फैसिलिटी कर रखी है, जब तक ये कंप्लीटली इसमें वैल्यू नहीं रखी जाती तो दूसरा इसमें से उठा नहीं सकता, ये फैसिलिटी करनी पड़ेगी आपको। तो क्यू के कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटिक एक लॉक लगाना पड़ेगा जो इंटरनली लगता है, ठीक है। तो जब T1 वैल्यू कोई पुट कर रही होगी, ये T1 वैल्यू यहाँ पुट क्यों कर रही है, क्योंकि ये T2 के लिए पुट कर रही है, T2 को चाहिए 10 वैल्यू, तो हमने क्या किया, बीच में क्यू लिया। जब T1 थ्रेड एक वैल्यू 10 रखेगी इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, T1 थ्रेड इसमें लॉक लगा देगी। क्यू क्यू लगाएगी लोग, क्योंकि इस वैल्यू को जब तक ये रिलीज नहीं करती थ्रेड T1, इसको यूज ना कर सके कोई, है ना। जैसे इसने कंप्लीटली वैल्यू रख दी तो ये क्या करेगा, क्यू को रिलीज कर देगा, खाली कर देगा, है ना, वैल्यू 10 रख के रिलीज कर देगा।
अब इस क्यू को और कोई भी यूज कर सकता है। जैसे टी टू थ्रेड आई, उसको वैल्यू चाहिए थी, उसने देखा कि कोई वैल्यू है या नहीं है, ऐसे एक वैल्यू अवेलेबल है 10, है ना। तो जैसे वैल्यू 10 मिली इसको, इसने गेट कर लिया। लेकिन जब ये गेट करेगी तो ये भी लॉक लगा देगी। जब ये लॉक लगाया, इसका मतलब है कि T1 थ्रेड इसमें कोई और वैल्यू नहीं रख सकती। क्यू में एक बार में एक ही वैल्यू रखी जाएगी, दूसरी वेटिंग करेगी। और जब T2 थ्रेड वैल्यू गेट करेगी, तब T1 थ्रेड इसमें वैल्यू नहीं रख सकती जब तक रिलीज नहीं करती। ये है कॉन्सेप्ट। तो पुट मेथड के थ्रू हम क्यू के अंदर आइटम रखेंगे और गेट मेथड के थ्रू हम गेट करेंगे। ये है इसका। बोलो, अब समझ में आया? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार्ट। मैं क्या करता हूं, एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूं, और T1 थ्रेड क्या करेगी, उस रैंडम फंक्शन को, है ना, क्यू में रखेगी। और क्यू में रखने के लिए लॉक लगाएगी, और लॉक उसको रिलीज कर देगी, और फिर दूसरा आएगा उसको उठा लेगा। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो इंपोर्ट करा लेता हूँ टाइम, जिससे आउटपुट समझ में आए, और एक इंपोर्ट करा लेते हैं रैंडम। रैंडम एक पैकेज है, रैंडम पैकेज के अंदर कोई भी रैंडम वेरिएबल जनरेट करने के लिए, और क्यू लेने के लिए आपको करना पड़ेगा इम्पोर्ट क्यू, है ना। क्यू कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, क्यू। तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, सपोज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में पास कर दिया क्यू, ठीक है। और वाइल, वाइल के वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी, तब तक हम क्या करेंगे, एक आइटम लेंगे, कैसे, रैंडमली जनरेट करके, रैंडम डॉट रैंड इंट, है ना, और वैल्यू दे दी 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 99 तक जो भी नंबर जनरेट होंगे, जो भी, ये रैंड इंट फंक्शन क्या काम करेगा, रैंड इंट फंक्शन क्या काम करेगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच का कोई नंबर जनरेट करेगा। और वो किस में ले लिया मैंने, आइटम में। अभी इस आइटम को हमें कहाँ रखना है, इस आइटम को रखना है हमें क्यू में, है ना। तो मैं यहां मैसेज दे दिया प्रिंट प्रिंट प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग आइटम। एक आइटम जनरेट किया, उस आइटम का नाम क्या है, ये प्रिंट करा देंगे, जो भी आइटम हुआ ये आइटम जनरेट करा। और इस आइटम को कहां पर पुट कर देते हैं, क्यू में। तो क्यू में पुट करने के लिए क्यू डॉट पुट फंक्शन कॉल कराया, और किसको रख दिया, आइटम को, आइटम को पुट कर दिया। अब इंटरनली, है ना, इस क्यू पर, कौन सा क्यू, ये वाला क्यू, है ना, उस क्यू पे क्या लग गया, लॉक लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मैसेज प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट या छोड़ो, स्लीप मेथड कॉल करते हैं, टाइम डॉट स्लीप, स्लीप मेथड कॉल करते हैं, और स्लीप में मैंने पास कर दिया 5 5 सेकंड के लिए, ठीक है। एक तो फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, प्रोड्यूस फंक्शन का, ये क्या करेगा, एक आइटम जनरेट करेगा कुछ भी रैंडमली, 1 से लेकर 100 तक का, उस आइटम को बनाया, उस आइटम को जनरेट करा, किसमें ले लिया, आइटम को, और उस आइटम को कहां पर रख दिया, क्यू के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। जो भी आपका क्यू होगा उसके अंदर पुट कर देंगे, और 5 सेकंड के लिए स्लिप हो जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन और डिफाइन किया मैंने, जो आइटम लेगा, कंज्यूमर, कंज्यूमर फंक्शन लिया, और उसमें भी मैंने क्या पास कर दिया, क्यू, ठीक है। इसमें भी मैंने व्हाइल लूप लगाया, जब तक आइटम मिलते रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट एक मैसेज दिया, कंज्यूमर वेटिंग वेटिंग फॉर आइटम्स, आइटम्स के लिए वेटिंग करेगा, ठीक है। इसमें आपको वेट फंक्शन कॉल कराने की जरूरत नहीं है, और प्रिंट करा दिया प्रिंट। अब ये क्या करेगा, गेट करेगा, अगर वहां से मिल गया तो, वहां से लॉक हट गया इंटरनली, तो आ जाएगा कंज्यूमर कंज्यूमर, है ना, गॉट एन आइटम, एक आइटम गोट किया, उस आइटम का नाम क्या है जो उसने गोट किया, कुछ भी दे दो नाम, सपोज उसका नाम दे देते हैं हम क्यू डॉट गेट फंक्शन से, हमने वो आइटम गेट कर लिया,
है, और इसको क्या कर दिया, टाइम डॉट स्लिप कर दिया, थोड़ा आउटपुट समझ में आ जाए, इसलिए स्लिप स्लिप किसलिए, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपके, एक तो कंज्यूमर, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन प्रोड्यूस फंक्शन एक रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा और उसको क्यू में पुट कर देगा। कंज्यूमर फंक्शन क्या करेगा, कंज्यूमर फंक्शन उस क्यू में से गेट करेगा, ठीक है। ये काम है, दो बनाए गए फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक क्यू लिया, क्यू इज इक्वल टू क्यू पैकेज के अंदर, क्यू पैकेज के अंदर हमारी एक क्यू क्लास है, कौन सी क्लास है, क्यू क्लास है, ठीक है। और आपने एक थ्रेड ली, टी वन इज इक्वल टू थ्रेड, उसका जो टारगेट है, टारगेट इज इक्वल टू कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर ही है ना, हाँ कंज्यूमर, ये टारगेट हो गया, और उसे एक आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू, हमने पास कर दिया क्यू जैसे कल किया था, ये एक तो थ्रेड होगी, ये दूसरी जो थ्रेड है आपकी टी टू, इसका जो काम है कौन से मेथड को कॉल कराना, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर फंक्शन को, ठीक है। ये हो गया हमारी, अब मैं थ्रेड स्टार्ट करता हूं, टी वन डॉट स्टार्ट और आपका टी वन टी टू डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, टी वन थ्रेड का टारगेट क्या है, कंज्यूमर मेथड को कॉल करना, और कंज्यूमर मेथड क्या काम करेगा, कंज्यूमर मेथड क्या कॉल क्या काम करेगा, ये वेटिंग करेगा कोई आइटम मिले, है ना, टू गेट कंज्यूमर वेटिंग फॉर आइटम, फॉर एन आइटम, और आपकी जो थ्रेड टी टू है ये क्या करेगी, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये किस लिए काम करेगी आपकी, कोई आइटम को गेट करने के लिए, कहां से, क्यू से। तो आपने क्यू लेकर चले, ये है ना, टी वन और टी टू के बीच में ही क्यू काम करेगा, कैसे, ये आपकी थ्रेड टी वन है और एक थ्रेड टी टू है, ठीक है। इस थ्रेड इस क्यू के अंदर, इस क्यू का क्या नाम है, क्यू ही है इसका नाम, है ना, एक लेटर है क्यू, इस क्यू का नाम क्या क्या है, तो टी वन इस के अंदर कौन से मेथड से, प्रोड्यूसर मेथड कॉल करा के इसके अंदर आइटम रखेगा, प्रोड्यूसर मेथड, और प्रोड्यूसर के अंदर कौन सा मेथड है, पुट मेथड, पुट मेथड की हेल्प से क्यू के अंदर आइटम रखेगा। अब क्यू के अंदर जो भी आइटम आया इसको कैसे गेट करेगा, बाय यूजर कंज्यूमर मेथड, और कंज्यूमर के अंदर कौन सा मेथड है, गेट मेथड, गेट मेथड से इसको मिल जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब चेक करो, ये कहां से आ गया, वाइकिल वाइकिल बड़ा, ये बैकग्राउंड में अब भी रन हो रहा है, इसको रिस्टार्ट करते हैं, मिनट, कंज्यूमर वेटिंग फॉर एन आइटम, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग आइटम, एक आइटम जनरेट करेगा ये, इसने क्या करा, 64 आइटम जनरेट करा, है ना। तो कंज्यूमर ने क्या किया, इसको गोट कर लिया, फिर प्रोड्यूसर ने कौन सा आइटम जनरेट करा, 80, है ना, वो वेटिंग कर रहा है, वेटिंग करने के बाद उसने कौन सा गेट कर लिया, एक मिनट रुको, हेलो, यस। तो आप देख रहे होंगे कि कंज्यूमर वेटिंग कर रहा है और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस किया उसने क्या, 64, जैसे 64 प्रोड्यूस करा तो ये आइटम कहाँ चला गया, ये आइटम चला गया आपका यहाँ पर 64, ये 64 आपका यहाँ पर चला गया, ठीक है। 64 जैसे गया, कंज्यूमर गॉट एन आइटम, तो इसने लॉक लगा दिया,
जैसे इसने प्रोड्यूस करा तो इसमें लॉक लगा दिया, जैसे ही लॉक लगाया है ना तो 64 इसमें रख देगा, जैसे ही 64 कंप्लीटली रखा गया इसने अनलॉक कर दिया इसको। अनलॉक करते ही जिसने कंज्यूमर गॉट एन आइटम, ये 64 उठा लिया यहाँ से, 64 उठा लिया, ठीक है। इसी तरह से प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक आइटम 80 रखा, दोबारा फिर 80 रखा इसके अंदर, ये आइटम 80 रखा। जब 80 रख रहा था तो उसने क्या करा, इसके क्यू के ऊपर लॉक लगा दिया। जिस टाइम रख रहा होगा T2 इसमें से उठा नहीं सकता, वेटिंग में रहेगा, है ना। ये इंटरनल मैकेनिज्म है, समझना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपके किस तरह से वर्किंग कर रहा है, बोलो, ठीक है। इसी में ही आपके जो क्यू है, क्यू भी कई तरह के होते हैं, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट क्यू, है ना। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, इस तरह से बहुत सारे क्यू होते हैं। प्रायोरिटी क्यू, जैसे इसके छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्यू के। आप कोई सा भी क्यू यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे इंपोर्ट कराया, क्यू एक मॉड्यूल है ना। इस मॉड्यूल के अंदर आपने क्यू बनाया, क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू मॉड्यूल के अंदर हमारी एक क्यू क्लास है, समझ रहे। क्यू मॉड्यूल के अंदर क्या है, हमारी क्यू क्लास है। और आपने जो मेथड कॉल कराया यहां पर, आपने क्या किया, क्यू के अंदर पहला आइटम पुट कर दिया, पुट कर दिया मैंने 10, और क्यू डॉट पुट किया एक आइटम, देखना भी, मैंने पुट कर दिया 5, और एक क्यू डॉट पुट आइटम कर दिया मैंने सपोज 20, और एक और कर देते हैं क्यू डॉट पुट कर दिया मैंने 20 या 15, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस क्यू से आइटम गेट किए वाइल, है ना। क्यू क्या कर दिया, कंडीशन लगाई नॉट नॉट इम्पटी, क्यू डॉट इम्पटी, जब तक क्यू इम्पटी नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाना है, ठीक है। ये कंडीशन लगाई मैंने और प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया। क्यू में से वैल्यू लेने के लिए कौन सा मेथड है, गेट, अभी बताया, गेट मेथड की हेल्प से हम इसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने चलाया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो 10, 5, 20, है ना, और 15। ये इस पे फोकस मत करो, पिछला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बस ये आप स्टार्टिंग की 4 लाइन में देखो, बस ये वाली 4 लाइन देखो। तो आपने जिस सिक्वेंस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो वैल्यू जो पहले आई थी वही पहले प्रिंट हुई, है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के रूल पे वे काम कर रहा है, सिंपल क्यू। अगर इस क्यू को मैं बना देता हूं कौन सा, लिफो क्यू, लिफो क्यू, लिफो क्यू, तो आप बताओ आउटपुट क्या आएगा। एग्जीक्यूट किया, जो सबसे लास्ट में आया वो पहले प्रिंट होगा। सबसे लास्ट में कौन सा आया, 15 आया, तो लेकिन सबसे पहले प्रिंट हुआ। उसके उससे पहले कौन आया था, 20, दूसरे नंबर पर प्रिंट हुआ। जो सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में प्रिंट हुआ, ये लिफो है, ये लिफो क्यू है, ठीक है। एक होता है प्रायोरिटी क्यू, कौन सा क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू काम कैसे करेगा, ये देखो, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो पहले, है ना, 5, या उल्टा है, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो, यानी कि वो हाई प्रायोरिटी वाला है ना। जिसकी प्रायोरिटी 10 है वो उसके बाद, वो उसके बाद, वो उसके बाद, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, 5 की, इस तरीके से। लेकिन आप यहां तो नंबर है, लेकिन अगर मैं यहां पर आइटम रखूं, सपोज बी बी बी, है ना, ए ए ए, सी सी सी, डी डी डी, अब आउटपुट क्या आएगा, ये देखो, ए ए बी बी सी सी डी डी, ये अल्फाबेटिकली, है ना, अल्फाबेटिकली क्या करेगा, आपका प्रायोरिटी, जिस जो जो कैरेक्टर पहले आता है उसकी प्रायोरिटी हाई है, जो कैरेक्टर बाद में आएगा उसकी प्रायोरिटी बाद में है। तो ये प्रायोरिटी क्यू का खेल है सारा का सारा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी, इसकी सेट, इसकी बी की सेट कर दी 1, और इसकी सेट कर दी 2, है ना। अब इसकी प्रायोरिटी कर दी 4, और इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी मैंने
अब आउटपुट बताओ, ये देखो, 1, ये आपका सी प्रिंट होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर गेट, यहाँ लिखो गेट क्यू डॉट गेट 1, जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसको गेट करो। क्यू डॉट गेट प्रायोरिटी, यहाँ पर हमने दे दी 1, और एक वेरिएबल लेते हैं एंड, इसकी वैसे जरूरत तो है नहीं, तो गैप के लिए है, लेकिन इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट क्यू डॉट, यहाँ पर जो वैल्यू पास करनी है हमें वो कुछ भी वैल्यू ना पास करें, एक मिनट, सिंटैक्स 1 2, क्यू डॉट गैप, अब भी एरर दे रहा है, एक मिनट, फॉर लूप वाइल लगाया ना, वाइल से कर रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वाइल, जब तक क्यू इम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसको एग्जीक्यूट करो, क्यू डॉट गेट गेट करो, जो पहले पैरामीटर वैल्यू जो है फर्स्ट है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये 0 होगी, ये 1 0 1 0 1, तो 1 पर जो वैल्यू है ये क्यों नहीं गेट होती है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इस प्रोग्राम पर ना, दूसरे सेल में लेते हैं, चलो इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पर इस सेल में रन कराते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर एरर दे रहा है ये, ओके, क्यू डॉट गेट 1, आ जाना चाहिए था ये, आ क्यों नहीं रहा, ये 1 मिनट रुको, है ना, इसको मैं चेक करता हूँ। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बस यही है कि कौन सा सबसे पहले प्रिंट होगा, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है, 1 किसका है, बी का, तो पहला आउटपुट बी आना चाहिए था, उसके बाद ए, और थर्ड नंबर पे डी, और इस पे सी आना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से आना चाहिए था, यहाँ पर 1 करके देख लो, नहीं ऐसे तो नहीं, हमें तो डेटा चाहिए ना, चलो एक बार चेक करते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये तो वही आ रहा है 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, मेरे को तो आउटपुट चाहिए ना ये वाला, ये वो इधर आए तो ऑब्जेक्ट पर, चलो इसको चेक